दोस्तों आज मैं आपको जीमेल आईडी किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को एंड तक देखना, उससे पहले चैनल पे नए हो तो यार रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मैं यहां से अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूं और मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूं उस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीके से अपने जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हो। तो यहां से दोस्तों मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑन हो चुका है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके फोन में एक जीमेल एप्लीकेशन होगी उसको आपको ढूंढ लेनी है और उसको इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद दोस्तों राइट साइड में सबसे ऊपर जो लोगो है वो देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे ऐड अनदर अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे क्लिक करोगे सेटअप ईमेल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, गूगल पे टैप करना है। गूगल पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन लॉक लगा रखा है उसका यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे दोस्तों मैंने पासवर्ड डाल दिया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, नया हमें यहाँ पे जीमेल आईडी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन है नीचे में, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों फॉर माय पर्सनल यूज जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे क्रिएट ए गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका नाम हो वो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे दोस्तों आप जो भी नाम डालना वो स्पेलिंग आप यहाँ पे सही से डालना। कई बार क्या होता है कि जो अपने आप जीमेल आईडी का पासवर्ड बनाते हो वो पासवर्ड आप भूल जाते हो। जब आप पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे दोस्तों आपका जो फर्स्ट नेम है और जो आपका लास्ट नेम है वो पूछता है। तो आपका जो नाम है वो उसका स्पेलिंग सही होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो आप डाल देना। तो मैं फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट नेम में कर देता हूँ राहुल और सेकंड नेम में मतलब लास्ट नेम में यहाँ पे मैं कुमार कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नाम डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो मैं डाल देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं जो जेंडर है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो डाल देना, सही सही डालना, और जो भी आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, चूज हाउ यू शाइन इन। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आप जीमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, जिस भी नाम से क्रिएट करना चाहते हो, वो चीज़ें यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रिएट ए जीमेल एड्रेस का ऑप्शन है। अभी जैसे मैं यहाँ पे राहुल कुमार के नाम से बनाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राहुल। आपको यहाँ पे स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, बिना स्पेस दिए हुए जो भी नाम आपका डालना चाहते हो यहाँ पे आप डाल देना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ राहुल कुमार, उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे राहुल कुमार राज 99 कर देता हूँ। अगर दोस्तों इस नेम से पहले से कोई जीमेल अकाउंट बना होगा तो यहाँ पे ये नहीं उठाएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट किया, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डेट यूजर इज टेकन ट्राई अगेन, मतलब कि इस नेम से पहले से कोई जीमेल आईडी बना हुआ है इसलिए ये नेम यहाँ पे नहीं उठा रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखो नीचे में एक अवेलेबल करके RK1935962 करके इस तरीके से जीमेल आईडी मुझे ये सजेस्ट कर रहा है, मतलब ये अवेलेबल है। अगर मैं चाहूँ तो इस नेम से यहाँ पे जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं फिलहाल इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपको कर देना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आप अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड रखना चाहते हो वो चीज़ें यहाँ पे आपको टाइप करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड डालना, भाई मैं आपको कहूँगा कि जो पासवर्ड है वो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना। यहाँ पे देखो आप पासवर्ड में क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विथ ए मिक्स ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड सिम्बॉल्स। आप तीन चीज़ों को यूज करके अपने पासवर्ड को बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से जो पासवर्ड है वो मैं टाइप कर देता हूँ। तो पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, जो नेक्स्ट का जो बटन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे ऐड फोन नंबर का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे करना क्या है, यस आई एम इन का जो ऑप्शन है इस पे आपको टैप कर देना है। जैसे इस पे टैप कर दोगे यहाँ पे देखो रिव्यू योर अकाउंट इंफॉर्मेशन इस तरीके से आ जाएगा, और जो भी आपका नाम जो आपने डाला होगा वो नाम आ जाएगा, और जो भी आपका जीमेल आईडी है वो इस तरीके से नीचे में आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी एंड टर्म्स का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, आई एग्री कर देना है। जैसे आई एग्री पे आप टैप करोगे उसके बाद दोस्तों जो आपका जीमेल आईडी है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे इस तरीके से गूगल सर्विसेज करके आ जाएगा और आपका जो जीमेल अकाउंट है मतलब जो भी जीमेल आईडी है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस पर मैं टैप करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैंने ये वाला जो जीमेल आईडी है वो मैं अब बनाया हूँ। तो ये देखो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से एक मेरे पास मेल भी आया है कि राहुल टेक दिस नेक्स्ट स्टेप कस्टमाइजेशन योर गूगल अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों जो मेरा जीमेल अकाउंट है मतलब जो जीमेल आईडी है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।